दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस कांस्टेबल के पदों पर जो भर्तियां हो रही हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरी नियम पुस्तिका को यहां पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। व्यापम परीक्षाओं के लिए 50,000 से ज़्यादा निःशुल्क प्रश्न वहां पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक का डेली डोज जो प्रतिदिन होता है, शिक्षक वर्ग दो के विषयों की निःशुल्क तैयारी उपलब्ध है। इसके अलावा शिक्षक वर्ग दो की टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट भी उपलब्ध है। आप हमारे कोड का उपयोग कर सकते हैं GURLABH50 और इस छूट का लाभ 30 नवंबर 2018 से पहले उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये देख सकते हैं आप, सूचना विज्ञप्ति आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल नवीन सूचना है और इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। संपूर्ण नियम पुस्तिका के बारे में बात करेंगे और ऑनलाइन आवेदन की लिंक नीचे मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा इस परीक्षा के लिए आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसकी लिंक भी, और इस परीक्षा के लिए जो विज्ञापन है वो भी, दोनों तीनों लिंक के मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, जहाँ से आप तीनों चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, तीनों जो डॉक्यूमेंट उनको डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर नियम पुस्तिका का विश्लेषण हम करते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सूचना विज्ञप्ति, ये 16 नवंबर 2018 को प्रकाशित की गई है। और यहाँ पर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी पेमेंट रहेगा 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे आपका रहेगा 2,000 रुपये। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स ₹21,700 रहेगा कि निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए अगर हम बात करें तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 31,360। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के लिए यहाँ पर है 18,208। तो अलग अलग श्रेणी में ये विभाजित किए गए हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें OBC SC ST के लिए अलग अलग पद हैं और अनारक्षित के लिए भी पदों की संख्या आपको यहाँ पर दी गई है, जिसे आप विस्तृत रूप से यहाँ पर देख सक पा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी कि नागरिक पुलिस के पद पर पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, महिला अभ्यर्थी इस पद हेतु पात्र नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% का आरक्षण आपको रहेगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होमगार्ड्स के लिए 5% तथा आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासन आदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए हम, तो इसमें कॉन्स्टेबुलरी और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इन पदों के लिए चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को श्रेष्ठता क्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है और यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर उसके लिए कोई कारण समनुदेशित किए बिना रद्द भी की जा सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समय सारिणी, ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे 19/11/2018 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 8/12/2018। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अगर अंतिम तिथि आपने जमा नहीं किया तो आप जमा कर सकते हैं 8/12/2018 तक। ऑफलाइन ई चालान द्वारा शुल्क जमा कर सकते हैं 10/12/2018 तक। आवेदन शुल्क मात्र ₹400 रहेगा। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹400 निर्धारित किया गया है। अर्हताएं की अगर हम बात करें तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि आप भारत के नागरिक हों या आप तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत में स्थायी निवास की अभिप्राय 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आए हों,
या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार से प्रवचन किया हो, परंतु उपर्युक्त श्रेणी खा या गा के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परंतु यह और की श्रेणी खा के अभ्यर्थी से यह भी उपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के नागरिक बहुत ही कम होंगे, लेकिन फिर भी हमारे सभी भारत के नागरिक यहाँ पर पात्र हैं। चलिए अब हम एक टिप्पणी यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो, ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा के साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए। शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसे भूतपूर्व सैनिक की शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जाएगी जो मैट्रिकुलेट हो तथा इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना वायु सेना में समकक्ष सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वो ये दी गई है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, यानी कि जो आपको अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उसमें सम्मिलित होने वाले या अभी तक पात्र नहीं हुए हैं, मतलब उसमें अपियर हो रहे हैं, अपियर हो चुके हैं तो वो पात्र होंगे, अभी जो है शामिल हो रहे हैं तो वो पात्र नहीं हो, मतलब जो कंप्लीट कर चुके हैं वो तो पात्र होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीट कर चुके हैं बट रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी पात्र नहीं होंगे और जो अभी दे रहे हैं तो वो तो पात्र होंगे ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले जो है हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप देखिएगा, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा, इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, अधिमानी अर्हताएं आपको दी गई हैं। अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे किंतु दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक का प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 में अंतिम चयन सूची में अधिमान नीचे दिए गए क्रम में प्रदान किया जाएगा। कंप्यूटर का अगर आपने उच्च स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आपको यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आयु की। तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 2 जुलाई 1996 से पूर्व 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा। आगे हम बात करें यहाँ पर महिला अभ्यर्थी को 18 वर्ष की आयु, यहाँ पर 18 से 25 वर्ष और यहाँ पर पुरुष के लिए 18 से 22 वर्ष। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चरित्र की। तो यहाँ पर चरित्र भी आपको, आपका यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त तो हो सके, नियुक्त प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। वैवाहिक परिस्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यक्ति के लिए ऐसा पुरुष नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना हो कि जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लें, शारीरिक स्वस्थता होना चाहिए आपकी। किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उसकी अपेक्षा की जाती है कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। भर्ती की प्रक्रिया अगर हम देखें तो लिखित परीक्षा होगी आपकी 300 अंकों की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि तथा तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर आपका अंकित है। चाहे दस्तावेजों की समीक्षा और आपका यहाँ पर ये होगा शारीरिक मानक परीक्षण रहेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक
ऊंचाई यहाँ पर 168 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम ऊंचाई, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की हम बात करें तो 79 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए बिना फुलाएं, और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जातियों के लिए अगर हम बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाएं और न्यूनतम और यहाँ पर 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक हम देखें तो यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। वजन आपका 40 kg यहाँ पर होना चाहिए। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 25 मिनट में यहाँ पर आपको करना होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करना होगी। अभ्यर्थी जो बेहद समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी चयन और अंतिम योग्यता सूची जारी होगी। तो आरक्षण बाकी जो भी नियम है वो सब यहाँ पर लागू होते हैं, ये देखिएगा। चलिए तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। और इसकी तैयारी के लिए आप नीचे हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगर आप चाहते हैं तो हम इसके लिए स्पेशल जो है क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो जो टॉपिक्स हैं आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। हम शाम को जो है लाइव क्लास करते हैं तो उसमें हो सकता है हम लोग जोड़ लें कुछ टॉपिक इसके। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस की तैयारी करवाई जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दी है इसको डाउनलोड करने के लिए, और पाठ्यक्रम की भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो सभी जो हैं आप लिंक्स नीचे हैं डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी सवाल है अगर आपका इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।